been good to तो हेलो एवरी वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा अगर आप भी इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो इस वीडियो को स्किप मत करना एंड तक देख लेना और अगर आप स्किप करके चले जाओगे तो आप इस तरीके का सेम टू सेम स्टेटस क्रिएट नहीं कर पाओगे ठीक है इसलिए स्किप मत करना एंड तक अच्छे से देख लेना और ये स्टेटस हम क्रिएट करने वाले हैं इंशॉर्ट एप्लीकेशन पर अगर आपके पास इनशॉर्ट एप्लीकेशन नहीं है प्ले स्टोर से आप इजीली इंस्टॉल कर लेना ठीक है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है इनशॉट का ओपन करना है यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है वीडियो फोटो कॉलेज आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉलेज पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या करना है नीचे आपको यहाँ पे एल्बम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपल से क्या करना है जो भी आप एल्बम सिलेक्ट करना चाहते हो उस पर से इमेज एड करना चाहते हो सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना है कर लेना है ठीक है इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे आपको नाइन इमेज को सिलेक्ट कर लेना है ठीक है या तो यहाँ पे मैं नाइन इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे राइट right साइड पे एक right राइट दिखाई दे रहा है आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है ठीक है तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बॉर्डर ऐड करके रखा था इसलिए आपको यहाँ पे बॉर्डर दिखाई दे रहा है तो आपको सिंपल से क्या करना है यहाँ पे जो बॉर्डर है आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा इस तरीके से इंक्रीज़ कर देना है थोड़ा सा आपको यहाँ पे बॉर्डर को इंक्रीज़ कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पे राइट पर क्लिक कर देना है क्लिक कर देने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे तो फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपल से फिल्टर पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको बहुत सारा फिल्टर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो आपको सिंपल से क्या करना है सिनेमा थ्री जो है इस पर क्लिक करना है राइट पर क्लिक कर देना है ठीक है इस तरह से आप देख सकते हो तो फिल्टर चेंज हो गया तो मैंने यही फिल्टर यूज़ किया था अभी इसी को कर लेना ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है सेव पे क्लिक कर देना है ठीक है सेव पे क्लिक कर देने के बाद आपको ऐसे बैक आना है ठीक है फिर से बैक आना है डिस्कार्ड कर लेना है फिर से आपको यहाँ पे कॉलेज पे क्लिक करना है फिर से आपको यहाँ पे एल्बम पे जाना है एल्बम को सिलेक्ट कर लेना है जिस एल्बम में आपका फोटो है उस एल्बम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है ठीक है इस तरीके से आप देख सकते हो तो मैं यहाँ पे फिर से इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ नाइन इमेज को ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है अगर आपको यहाँ पे इमेज को एडजस्ट करना है तो आपको सिंपल से क्या करना है इस तरीके से इमेज को सिलेक्ट करना है इस तरह से आप डाउन कर सकते हो इस इमेज को भी इस तरीके से आप डाउन कर सकते हो इस इमेज को भी आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो ठीक है इस तरह से आप कर सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है कर देने के बाद एक बार आप जब बॉर्डर ऐड कर लोगे तो बार बार आपको बॉर्डर ऐड करने का ज़रूरत नहीं है उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से फिल्टर पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अभी सिनेमा थ्री पे सिलेक्ट करना है राइट पे क्लिक कर देना है इस इमेज को भी आपको यहाँ पर सेव कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है फिर से बैक आना है डिस्कर्ट पे क्लिक कर देना है फिर से आपको यहाँ पे कॉलेज पे क्लिक करना है फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है एल्बम पे जाना है ठीक है जो भी आपका फोल्डर पे इमेज होगा उस फोल्डर को आपको सिंपल से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से आपको यहाँ पे कर लेना है सिंपल से आपको क्या करना है इमेज को सिलेक्ट कर लेना है नाइन इमेज को ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है जिस इमेज को आप एडजस्ट करना चाहते हो सिंपल से इस क्लिक करके इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो ठीक है जिस इमेज को भी आप एडजस्ट करना चाहते हो कर लेना ठीक है उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है तो बॉर्डर ऑलरेडी ऐड हो चुका है सिंपल से फिल्टर पे जाना है सिनेमा थ्री पे सिलेक्ट करना है राइट पे क्लिक करना है इस इमेज को भी आपको यहाँ पे सेव कर लेना है उसके बाद आपको ऐसा बैक आना है डिस्कार्ड कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको इन से बैक आना है इन शॉर्ट से आपको बैक आ जाने के बाद आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है अगर आपके पास पिक्सल लैब एप्लीकेशन नहीं है आप प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर लेना उसके बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा सबसे पहले जो न्यू टेक्स्ट है इस पर क्लिक करना है जो डिलीट ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट साइड पर इस पर क्लिक करके डिलीट कर देना है उसके बाद सिंपल से आपको राइट साइड पर थ्री डॉट दिखाई दे रहा है थ्री डॉट पर क्लिक करना है इमेज साइज दिखाई दे रहा है इमेज साइज पे क्लिक करना है ठीक है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विथ और हाइट आपको सिंपल से हाइट पे क्लिक करना है और ये सभी जो है वन टू एट जिसको रिमूव करके आपको यहाँ पे लिख लेना है थ्री एट डबल जीरो ठीक है उसके बाद ओके okay पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से जो बन जाएगा उसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है लेफ्ट साइड पर आपको प्लस दिखाई दे रहा है प्लस पे क्लिक करना है फ्रॉम गैलरी पे जाना है अभी जो आपने इन शॉर्ट पर इमेज सेव किया था तीन इमेज को आपको यहाँ पे ऐड करना है इस तरीके से सिलेक्ट करना है राइट पे क्लिक करना है ठीक है इस तरीके से आपको इमेज को जिसका साइज आपको कम करके यहाँ पे एडजस्ट करना है ठीक है इस तरीके से आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है फिर से प्लस पे क्लिक करना है फ्रॉम गैलरी पे जाना है फिर से सेकेंड इमेज को सिलेक्ट करना है राइट पे क्लिक कर है, ठीक है इन पे पर आपको सिर्फ इस तरीके का तीन इमेज आपको यहाँ पे क्रिएट करना है ठीक है ज़्यादा नहीं चाहिए सिर्फ तीन जैसे हमने किया था सिर्फ आपको भी तीन इमेज को सेव कर लेना है इस तरह से इमेज को सिलेक्ट करना है फिर से प्लस पे क्लिक करना है फ्रॉम गैलरी पे जाना है जो थर्ड इमेज है इसको सिलेक्ट कर लेना है राइट पे क्लिक कर देना है ठीक है इस इमेज को भी आपको इस पे एडजस्ट कर लेना है ठीक है इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ आप पे राइट पे ऊपर थ्री डॉट दिखाई दे रहे हैं एक्सपोर्ट इमेज दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे कस्टम पे जाना है अल्ट्रा पे आपको इसको क्या करना है सेव टू गैलरी करके एक्सपोर्ट कर लेना है ठीक है इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से ऐड आएगा आपको सिंपल से यहाँ पे क्या करना है रिमूव कर देना है रिमूव करके आपको क्या करना है कर 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 जो इमेज है सेव कर लें ठीक है ठीके? जो ऑलरेडी सेव हो जाएगा उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है बैक आने के बाद आपको यहाँ पे क्रोम क्रो क्रोम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है बैकग्राउंड रिमूवर ठीक है बैकग्राउंड रिमूवर पर क्लिक करना है क्लिक करना कुछ इस तरीके से आ जाएगा इमेज रिमूव बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है थोड़ा सा नीचे आना है अपलोड इमेज दिखाई दे रहा है अपलोड इमेज पे क्लिक करना है कुछ इस तरीके से जो पेज है वो ओपन हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपको सिंपल से ब्राउज पे क्लिक करना है क्लिक करने, करने के बाद जो भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो उस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है तो मैंने ऑलरेडी इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके रखा था तो मैं आपको यहाँ पे फिर से आपको दिखा देता हूँ ठीक है इस तरीके से आप देख सकते हो अपलोड हो गया उसके बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया आपको यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपल से आपको डाउनलोड कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है पिक्सेल पिक्सल एप्लीकेशन को फिर से ओपन करना है ओपन करने के बाद न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करके डिलीट कर देना है ठीक है कर देने के बाद आपको ऊपर जो प्लस दिखाई दे रहा है प्लस पे क्लिक करना है फ्रॉम गैलरी पे जाना है गैलरी पे जाने के बाद अभी जो आपने इमेज बैकग्राउंड रिमूव किया था इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है ठीक है कर लेने के बाद आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है इस तरह से आप देख सकते हो ठीक है इसका साइज आपको इंक्रीज करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है ठीक है इसको सिलेक्ट करना है और आप यहाँ जो नीचे आपको पांच ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक है इस तरीके से आपको राइट स्वाइप करने आपको दिखाई देगा स्टॉक सिंपल से स्ट्रोक पे क्लिक करना है इसको एनेबल कर देना है कुछ इस तरीके से बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा राइट right पे क्लिक कर देना है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है फ्रॉम गैलरी पे जाना है अभी आपको एक हार्ड क्राउन इमेज आपको यहाँ पे ऐड करना है इस तरीके से ठीक है और ये जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा आप डिस्क्रिप्शन चेक करना सब कुछ आपको मिल जाएगा ईजीली आप डाउनलोड कर सकते हो राइट right पर क्लिक कर देना इस तरीके से इसका साइज आपको यहाँ पे कम कर लेना है यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है ठीक है इस तरह से सबको एडजस्ट कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो पांच ऑप्शन दिखाई दे रहे है आपको फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसपेरेंट सिंपल से ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा ऊपर आपको थ्री डॉट दिखाई दे रहा है थ्री डॉट पे क्लिक करना है एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है डिफॉल्ट है अल्ट्रा करना है सेव टू गैलरी कर लेना है ठीक है सेव टू गैलरी कर लेना है अब देख सकते हो इमेज सेव हो रहा है ऐड आएगा आप सिंपल से ऐड देख सकते हो नहीं तो आप सिंपल से रिमूव कर देना उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है ठीक है उससे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है अपने जो फर्स्ट जो इमेज पिक्सल लेप में सेव किया था जो एक लंबा करके इमेज उसको आपको क्या करना है रेमिनी में आपको क्या करना है वो करना है क्वालिटी हाई कर लेना है ठीक है हाई करके सेव कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से क्या करना है वीडियो पे आना है वीडियो पे आने के बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से क्या करना कर है एक ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर लेना है राइट पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कैनवास पे जाना है आपको वन इज टू वन डिशे सिलेक्ट करना है राइट पे क्लिक कर देना है ठीक है कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है इस तरीके से आप देख सकते हो जितना भी आप साइज़ इंक्रीज करना चाहते हो कर सकते हो ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे ऑडियो ऐड करना है ठीक है ऑडियो आप ऐड कर सकते हो नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हो क्योंकि मैं लास्ट में बता दूंगा कि ऑडियो कहाँ से ऐड होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिप आपको पिप पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जो इमेज आपने सेव किया था पिक्सल में जो लंबा वाला इमेज है इसको आपको यहाँ पे ऐड करना है ठीक है और इस इमेज को आपको रेमिनी में एच कर लेना है नहीं तो आपका इमेज का जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगा उसके बाद इसको इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है इसको फिलस्किन कर लेना है ठीक है टू फिंगर्स आपको यहाँ पे स्क्रीन कर लेना है करने ले के बाद आपको पूरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है इमेज का उस पॉइंट पे आपको चले जाना है इस तरह से और इस इमेज को भी आपको यहाँ पे एटलीस्ट ट्वेंटी नाइन सेकेंड तक लेके चले जाना है ठीक है इस तरह से आपको ट्वेंटी नाइन सेकेंड तक लेके आ जाना है क्योंकि स्टेटस भी ट्वेंटी नाइन सेकेंड तक ही है ठीक है इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है कर लेने के बाद आपको क्या करना है इस इमेज को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है की फ्रेम आपको सिंपल से की फ्रेम पे क्लिक करना है उसके बाद आपको पूरा एंडिंग पॉइंट पे जाना है आपको सिंपल से क्या करना है की फ्रेम को सिलेक्ट करना है और इमेज को धीरे धीरे इस तरीके से आपको क्या करना है ऊपर लेके जाना है पूरा पूरा आपको पूरा इमेज का एंडिंग पॉइंट जहाँ पे उस पॉइंट पर आपको यहाँ पे लेके जाना है ठीक है देख सकते हो इस पॉइंट पर आ गया लेके आ जाना कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है इस तरह से आप देख सकते हो ठीक है उसके बाद आपको कहीं पे क्या करना है यहाँ पे आपको फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है राइट पे क्लिक कर देना है राइट पे क्लिक करने, पे क्लिक करने फिर से आपको यहाँ पे पिप पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको कहाँ पे पिप पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जो भी इमेज आपने रिमूव किया था और पिक्सल लेव में सेव किया था इस इमेज को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से आप देख सकते हो ठीक है इस तरीके से आपको यहाँ पे जूम इन करके आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है ठीक है इस जगह पे आपको एडजस्ट कर देना है और इस इमेज को भी आपको पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है ठीक है इस तरीके से पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है पिप पे क्लिक करना है क्लिक करने, है। करने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना है आपको एक रेक्टेंगल आपको यहाँ पे ऐड करना है ये वाला रेक्टेंगल ठीक है इसका साइज आपको इस तरीके से बड़ा कर लेना है ठीक है इस तरीके से आपको यहाँ पे बड़ा करके इस जगह पर आपको एडजस्ट करना है ठीक है थोड़ा सा जूम इन कर लेना इस जगह पे आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है इसको भी पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है ठीक है ठीक है अभी आपको क्या करना है ये जो रेक्टेंगल है इसको आपको क्या करना है नीचे लेके जाना है तो आपको सिंपल से क्या करना है जो दुर्गा माँ का इमेज आपको सिंपल से क्लिक कर देना है आप देख सकते हो ईजिली ये नीचे चला गया ठीक है उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे पिप पे क्लिक करना है क्लिक करने के कर बाद अभी आपको यहाँ पे एक वीडियो ऐड करना है ठीक है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा इस तरह से आप देख सकते हो ठीक है ये वाला वीडियो आपको सिंपल से क्या करना है इस वीडियो को आपको यहां पे ऐड कर लेना है इस जगह पे ठीक है और इसका आपको क्या करना है इस तरीके से राइट स्वाइप करके आपको ब्लैंड दिखाई दे रहा है ब्लैंड पे क्लिक करना है स्किन पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से जो ब्लैक स्किन है वो रिमूव हो जाएगा उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है ठीक है ये जो आप जो फॉन्ट्स का फॉन्ट्स बोल रहे जो लिरिक्स वीडियो आप ऐड करोगे इस पर ही आप सॉन्ग ऐड कर सकते हो मतलब यही आपका सॉन्ग है यही आपका लिरिक्स वीडियो तो इस जो वीडियो है जिस पॉइंट पर एंड रहे उस पॉइंट तक आपको क्या करना है बाकी जितना भी लेयर है उस पॉइंट तक लेके आ जाना है ठीक है तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से इस तरीके से आप देख सकते हो ठीक है ठीक है इस तरह से आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा उसके बाद आपको यहां पे राइट पे क्लिक कर देना तो आप देख सकते हो तो हमारा जो वो कंप्लीट हो चुका है ठीक है इस तरीके से आप देख सकते हो तो और जो लंबा इमेज है वो आपको क्या करना है रेमिनी में आपको एक्सपोर्ट कर लेना है हाई क्वालिटी में नहीं तो बैकग्राउंड आपका फट सकता है ठीक है इस वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर राइट पे जो सेव इस पर क्लिक करना है हाई रिजोल्यूशन में सेव कर लेना है जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा इस वीडियो में सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा ठीक है आप इजीली डाउनलोड कर लेना सो so, इस वीडियो को कैसा लगा एक कॉमेंट करके ज़रूर बताना सो so, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच